Good morning, all my students. Today in this online video class, I teach class 2, English book, lesson 3, The Frog and a New King. First of all, we know and learn about word meaning of this chapter. So we listen. First, P-O-N-D, pond. This word is pronounced pond, and its meaning is talab, pokhar. Second, N-E-R-R-I-L-Y. This word is pronounced merrily, and its meaning is prasannata purvak, matlab khushi purvak, khush, jo khushi uske chehre par dikhai de. And third is S-I. L-E-N-T-L-Y, silently. This word is pronounced silently. Its meaning is chup-chap, maun hokar. Chup-chap ya maun hokar. Fourth word meaning is, what is C-R-O-A-K-E-D. C-R-O-A-K-E-D. Cropped. This word is pronounced crop, and its meaning is tarana, tartar ki awaaz. Ye medhak ki awaaz hoti hai, tartar karna. Medhak jo awaaz karte hain, usko tarana bolte hain. Then fifth word is A-G-R-E-E. This word is pronounced agree, and its meaning is raji hona, maang lena. Sixth word is M-E-S-S-E-N-G-E-R. This word is pronounced messenger, and its meaning is sandeshwaha ya dut. And seventh word is S-T-U-P-I-D. Stupid. This word is pronounced stupid. Its meaning is murk, bewakoof. Next word is H-A-R-M. H-A-R-M. This word is pronounced har, and its meaning is hani ya chhati. Next word is T-O-S-S-E-D. This word is pronounced tossed, and its meaning is uchhala ya choda. Tenth word is L-O-G. This word is pronounced log. Log means lakdi ka kunda ya lakta. Bada, bada sa lakdi ka jo part hota hai, usko log bolte hai. Moti moti tahungi ka jo part kata hua rakhta hai, usko kunda bolte hai ya lakta bolte hai. Eleventh word is S-P-L-A-S-H. This word is pronounced splash. स्प्लैश मीन्स छप 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 छपाना. पानी में जब कोई चीज फेंकते हैं, चाहे पानी में जब हम अचानक से जाते हैं तो छप छप की आवाज होती है, उसी को स्प्लैश हम बोलते हैं. ट्वेल्थ वर्ड इज एस सी ए आर ई डी. दिस वर्ड इज प्रोनाउंसेड स्केयर्ड. इट्स मीनिंग इज डरा हुआ या हैवी. और भी इसमें वर्ड्स हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे. अब हम लेसन 3 द फ्रॉग गेट्स ए न्यू किंग चैप्टर को हम पढ़ेंगे. इसको जानेंगे इस चैप्टर में क्या है, क्या स्टोरी है, इससे हमें क्या सीख मिलता है, मिलेगा, ये चीज हम जानेंगे. देखिए, बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले हम जानेंगे द फ्रॉग्स वांटेड ए किंग. मेढक जो थे, मेढक को एक राजा चाहिए था, राजा चाहते थे. दे रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड वन फॉर देम. और वे लोग भगवान से आग्रह किए कि उनके लिए एक किंग भेजे. गॉड ऑब्लाइज्ड देम, बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड. गॉड ने उनकी विनती को माना, सुना, लेकिन वे लोग संतुष्ट नहीं हुए. लेट्स रीड एंड लर्न व्हाट हैपेंड टू देम इन द एंड. चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, हाँ? और जानते हैं, सीखते हैं कि अंत में उन लोगों के साथ क्या हुआ.
देखिए, देयर लिव्ड मैनी फ्रॉग्स इन अ लार्ज पॉन्ड, एक बड़े तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, दे स्वार्म मेरली इन द पॉन्ड एंड एट नाइट सेट ऑन इट्स बैंक एंड क्रॉप, पूरे दिन वे लोग खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक वो तैरते रहते मेंढक पॉन्ड में, और रात में पॉन्ड के किनारे आकर के वो लोग बैठ करके टराते रहते थे। दे वेर वेरी हैप्पी विथ देयर लाइफ, दे वर वेरी हैप्पी विथ देयर लाइफ, वे लोग अपने जीवन से बहुत खुश थे। वन डे, एक दिन, देयर लीडर से, मेढक का जो सरदार था वो बोला, और एनिमल्स हैव किंग बट वी हैव नन, वो बोला कि सारे जानवरों के राजा होते हैं लेकिन हम लोगों के नहीं है। देखिए, एक दिन मेढक का सरदार बोला कि सभी जानवरों के राजा होते हैं लेकिन हम लोगों के नहीं है। लेट अस रिक्वेस्ट गॉड टू गिव अस आवर किंग, चलो भगवान से विनती करते हैं कि हमें भी एक राजा दे। वन ऑफ द ओल्ड फ्रॉग्स वाज लिसनिंग साइलेंटली, उनमें से एक मेढक उनकी बातों को ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक मौन होकर चुपचाप सुन रहा था। ही सेड, वह कहा, व्हाई डोंट वी चूज ए किंग फ्रॉम आवर सेल्फ, क्यों नहीं हम खुद में एक राजा चुन लेते हैं। वो जो मेढक जो है सरदार का बात जो सुन रहा था वो बोला, क्यों ना हम अपने में ही एक राजा चुन लेते हैं। हाउएवर, किंतु अदर फ्रॉग्स डिडंट एग्री, किंतु दूसरे मेढक राजी नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। दे डिसाइडेड टू सेंड ए मैसेंजर टू गॉड एंड बेग हिम टू सेंड ए किंग टू रूल ओवर देम, वे लोग निर्णय लिए कि भगवान के पास एक संदेशवाहक यानी मैसेंजर भेजते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हमारे ऊपर शासन करने वाला एक राजा दीजिए। When their messenger went to God and told him of their wish, जब उन लोगों के संदेशवाहक यानी मैसेंजर गॉड के पास गए तो वे अपनी विश को कहा यानी अपनी इच्छा को कहा भगवान से। God smiled to listen their request, उन लोगों के आग्रह को सुनकर के भगवान मुस्कुराए। How stupid they are, तो भगवान बोले कितने ये लोग बेवकूफ हैं, कितने ये लोग मूर्ख हैं। ही थॉट, वह सोचे भगवान ने सोचा कि ये लोग कितने मूर्ख हैं। बट ही डिडंट वांट टू मेक एनी हार्म टू देम, लेकिन वह मेढक को किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचाना चाहते थे। देयर फॉर इसलिए ही टॉस्ड ए बिग लॉग इनटू द मिडिल ऑफ द पॉन्ड एंड सेड This will be your new king. इसलिए भगवान ने एक बड़ा सा लकड़ी का लॉग जो है लकड़ी का गट्ठा लट्ठा जो है उस भगवान ने ऊपर से पॉन्ड के मिडिल में छोड़ दिया और बोला कि ये लोग तुम लोगों का राजा है। He would never make any harm to, यह तुम लोगों को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। The log fell into the pond with a big splash. और लॉग जो है तालाब में बड़े छप छप आज करते हुए वहां गिरा। द फ्रॉग्स वेयर स्केयर्ड, मेढक सभी मेढक डर गए। एट वंस, तुरंत ही दे डाइव इनटू देयर होल्स टू हाइड फ्रॉम किंग लॉग, तुरंत ही वे लोग अपने 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 होल में अपने अपने छेद में डर के मारे घुस गए और नए राजा से छिप गए। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, when they saw that the king was not moving, उन्होंने देखा कि जो राजा आया है उसके वो कुछ हलचल नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। they gathered courage and came out, वे लोग एक साथ जमा हुए और पूरी साहस से वो लोग बाहर आए। जहाँ पे मेढक लोग छुपे हुए थे वहीं से उन्होंने देखा कि जो मेरा न्यू किंग है वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी वो हलचल नहीं कर रहा है, नहीं पानी में भी नहीं चल रहा है। तो वे लोग फिर से एक साथ बाहर आए पूरी साहस के साथ
some of the young frogs even went very near, but the log was still unmoved. और उसमें से कुछ जो जवान मेढक थे वे लोग लॉग के पास चले गए, लॉग या लकड़ी का लट्ठा के पास चले गए, लेकिन वो कुछ नहीं किया, वो उसी तरह स्थिर पड़ा रहा। एट लास्ट आखिरकार दे क्लिम्ड ओवर इट एंड सेट देयर कंफर्टेबिलिटी, और अंत में वे लोग लॉग पर चढ़ गए और वहां पर आराम पूर्वक बैठे रहे। लॉग कुछ लोग को हानि नहीं पहुंचा रहा था, कोई भी हार्म नहीं कर रहा था, तो वे लोग के अंदर में डर खत्म हो गया और वे क्या कि लॉग के ऊपर बैठ गए, आराम से बैठ गए। When they found that the log would really not hurt them, जब उन लोगों ने पाया कि जो लकड़ी का लट्ठा है वो उन लोगों को किसी तरह का हानि नहीं पहुंचा रहा है, they began to despise him, वे लोग उनसे घृणा करने लगा, लॉग से घृणा करने लगा, नफरत करने लगा। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट किंग हु इज सो स्टिल, उन लोगों को ऐसा राजा स्वीकार नहीं था जो चुपचाप एकदम शांत स्थिर रहे। सो वंस अगेन वो फिर से इसलिए वो फिर से दे सेंट ए मैसेंजर टू गॉड टू आस्क फॉर ए न्यू किंग, उन्होंने फिर एक मैसेंजर गॉड के पास भेजा एक नया राजा के लिए, क्योंकि लॉग जो था वो उन लोगों को हानि नहीं पहुंचा रहा था, वे लोग उस पर चढ़ भी जा रहे थे, बैठ भी जा रहे थे, तो अभी कुछ नहीं कर रहा था, तो इस तरह का जो अनमूव्ड किंग जो था उन लोगों को पसंद नहीं था, उन लोग लाइक नहीं कर रहे थे। दे सेंट अ मैसेंजर टू गॉड टू आस्क फॉर अ न्यू किंग, उन्होंने भगवान से फिर एक नया राजा के लिए कहा। दिस टाइम और इस समय गॉड सेंट एन ईल टू बी देयर न्यू किंग, अब इस बार भगवान ने एक ईल एक सर्पकार मछली होती है, सर्प जैसे सांप जैसा मछली होती है, उन्होंने भगवान इस बार भगवान ने उनको भेजा। अब द किंग ईल कम रिगलिंग एंड सिंगिंग अमंग देम, और जो किंग ईल जो था सर्प में जो था वो उन लोगों के बीच घूमते हुए तैरते हुए आया। एट फर्स्ट द फ्रॉग्स वर मच फ्राइटेड, शुरू में सभी मेढक बहुत ज्यादा डर गए, बट एज डेज पास्ट दे फाउंड दैट द ईल वाज परफेक्टली हार्मलेस, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्होंने पाया कि ये जो ईल मछली है भगवान ने जो सेकंड किंग जो भेजा है ये पूरी तरह से हार्मलेस है, किसी पूरी तरह से ये सुरक्षित है, ये कोई किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता है। सो दे स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड, इसलिए वे लोग उससे डरना बंद कर दिए। एंड एज सून एज दे स्टॉप्ड फियरिंग किंग इल दे स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग हिम एज वेल, अब इसी तरह वे लोग किंग इल जो सेकंड किंग जो गॉड ने भेजा था उससे डरना बंद कर दिए, अभी लोग उस किंग को रिस्पेक्ट करना बंद कर दिए, आदर देना बंद कर दिए। सुन दे वेंट ए थर्ड मैसेंजर टू गॉड, और जल्दी ही वो फ्रॉक्स ने एक थर्ड मैसेंजर भेजा गॉड के पास एंड बेग दैट दे माइट हैव ए बेटर किंग, और इस बार उन्होंने विनती किया कि मुझे इससे भी अच्छा सब और अच्छा राजा दीजिए, ए किंग हु वाज वर्थ वाइल एंड कुड मेक देम अफ्रेड, ऐसा राजा दीजिए जो हम लोगों का योग्य हो और हम लोग उनसे डरे। गॉड बिकेम वेरी एंग्री एट दिस स्टुपिडिटी, अब थर्ड मैसेंजर जब गॉड के पास गया तो गॉड बिकेम एंग्री, गॉड पूरा गुस्से में हो गए उनकी मूर्खता पर। ही डिसाइडेड टू टीच देम ए लेसन, इस बार गॉड ने निर्णय लिया इस बार मैं इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। सो आई विल गिव यू अ किंग सच यू डिजर्व, मैं तुम्हें ऐसा राजा दूंगा जिसके तुम लायक हो। ही सेड एंड सेंट ए स्टॉक टू बी देयर किंग, उसने कहा उन्होंने कहा और एक स्टॉक, स्टॉक मीन्स होता है सारस, सारस पक्षी होता है उसका चोंच लंबा होता है, अब मेढक मछली ये सब खाता है।
और उन्होंने एक स्टॉक को भेजा यानी सारस को उनके राजा के रूप में भेजा। द स्टॉक केम विथ देयर लॉन्ग स्ट्राइड्स एंड स्टूड ऑन द बैंक। और स्टॉक जो था जो लेग होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, स्टॉक लंबे होते हैं और वे लंबे लंबे कदमों से उनके पास आया और पॉन्ड के किनारे वो खड़ा हो गया। ऑल द फ्रेंड्स केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस टू सी देयर न्यू किंग। सभी मेढक अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आए अपने न्यू किंग को देखने के लिए। दे आर हैप्पी टू सी द मेजेस्टी ऑफ द न्यू किंग एंड वांटेड टू ग्रीट हिम। वे लोग अपने न्यू किंग को देख अपने न्यू किंग की गरिमा देखकर के बहुत खुश हुए। गरिमा न्यू किंग जो आया था उसकी गरिमा को देख करके ऑल फ्रॉक्स आर वेरी हैप्पी। ऑल जो फ्रॉक्स थे वो बहुत खुश हुए और वे अपने न्यू किंग को अभिवादन करना चाहते थे। एज सून एज दे केम नियर द बैंक द स्टॉक कट देम इन हिज लॉन्ग बिल एंड गवर्न देम। जो ही वे लोग पॉन्ड के किनारे जाते स्टॉक उन लोगों को पकड़ लेता अपने चोंच में पकड़ लेता और खा जाता। दस द स्टुपिडिटी ऑफ फ्रॉग्स कॉस्ट देम देयर लाइफ। इसी तरह सारे मेढक जब वे इस प्रकार मेढक की नासमझी ने मूर्खता ने उनकी जान मूर्खता से मेढक को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए भगवान ने अंत में ऐसा किंग भेज दिया जो मेढक को खाता था मछली खाता था और वे लोग ऑल फ्रॉग्स जो थे वो अपने इस न्यू किंग को देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन वो क्या था वो तो खुद मेढक को ही खाता था और वे लोग उससे अभिवादन करना चाहते थे। जो ही वो बैंक ये पॉन्ड के बैंक के जाते किनारे में जाते स्टॉक क्या करता उन लोगों को खाता और गवर्ड एट देम उन लोगों को खा जाता। इस प्रकार मेढकों की नासमझी ने नासमझी से ये लोग अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों को नहीं बनना चाहिए मूर्खता नहीं करनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और प्रूफ फॉल्स देखते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डी द फ्रॉग स्लीव मेढक कहाँ रहते थे। इन अ लार्ज पॉन्ड एक बड़े तालाब में। व्हाट डिड द ओल्ड फ्रॉग से बूढ़े मेढक ने क्या कहा था तो वे कहा था व्हाई डोंट वी चूज ए किंग फ्रॉम आवर सेल्व्स। हम लोग क्यों ना अपने में एक राजा चुन लें। हाउ डिड द किंग ईल कम हाउ डिड द किंग किंग ईल जो सर्प मीन था वो कैसे आया तो लिख देंगे रिगलिंग रिगलिंग एंड स्विमिंग घूमते हुए और तैरते हुए आया। अब देखिए टेक द करेक्ट ऑप्शन है वंस फर्स्ट है वंस दे आर लिव्ड मेनी इन अ स्पेस ब्लैंक स्पेस इन अ लार्ज पॉन्ड। पॉन्ड में क्या रहता था फ्रॉक्स फ्रॉक्स फिल अप कर देंगे। दे वेयर वेरी विथ देयर लाइफ क्या थे फ्रॉक्स क्या थे हैप्पी सैड डिस्गस्टेड तो दे वेयर वेरी हैप्पी विथ देयर लाइफ। दे डिसाइडेड टू सेंड ए ब्लैंक स्पेस टू गॉड भगवान के पास उन्होंने क्या भेजा था तो मैसेंजर। गॉड थॉट दैट हाउ दे वेयर भगवान ने क्या सोचा था ये लोग कैसे हैं थे स्टूपिड है मेढक के क्या थे स्टूपिड थे मूर्ख थे बेवकूफ थे। द फेल इन टू द पॉन्ड विथ अ बिग स्प्लैश भगवान ने बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा भेजा था वो पॉन्ड में तो क्या क्या था पानी में जाते के साथ छपाक से आवाज हुआ था तो वो इसमें हम भरेंगे। द लॉग फेल इन टू द पॉन्ड विथ अ बिग स्प्लैश। अब देखते हैं प्रूफ फॉल्स। प्रूफ फॉल्स में फर्स्ट है एट नाइट द फ्रॉग सेट ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड एंड फ्रॉग कह रहा है कि रात में मेढक पॉन्ड के किनारे बैठ जाते और टराते थे। ये सेंटेंस ट्रू है। द फ्रॉग्स आर हैप्पी बिकॉज दे हैड नो किंग
मेढक खुश थे क्योंकि उनके पास राजा नहीं था। यह सेंटेंस तो गलत है, फॉल्स है, क्योंकि उनको एक किंग चाहिए था। द फ्रॉग सेंट देयर मैसेंजर टू गॉड, फ्रॉग्स ने भगवान के पास मैसेंजर भेजा। सेंटेंस ट्रू है। द लॉग फेल इन टू द पॉन्ड विथ अ बिग स्प्लैश, और भगवान ने क्या किया था, एक लॉग नीचे छोड़ा था पॉन्ड में एक बड़े से छप छप के आवाज करते, छपाक से आवाज करते हुए। ये सेंटेंस भी ट्रू है। द फ्रॉग्स दे आर नॉट हैप्पी टू हैव द ईल एज देयर किंग, फ्रॉग्स जो है वे खुश नहीं थे कि ईल के रूप में, ईल जो सर्प मीन थी, वो फिश थी, वो राजा को पाकर, ईल मछली को जब उन्होंने अपना किंग, भगवान ने किंग दिया था, तो ये लोग खुश तो नहीं थे। इसमें हम लोग ये सेंटेंस ट्रू है, वे ईल जो किंग आए थे उनसे भी फ्रॉग्स नहीं खुश थे, हैप्पी नहीं थे। गॉड डिसाइडेड टू टीच द फ्रॉग्स ए लेसन, भगवान ने मेंढकों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। तो सेंटेंस ये ट्रू है। द स्टॉर्क एट अप ऑल द फ्रॉग्स, स्टॉर्क जो है सारस सभी मेंढक को खा गया। हाँ, सेंटेंस ये ट्रू है, सभी मेंढक को स्टॉर्क खा गया था। तो ये सारे चीज आप लोगों को एक नोट्स में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।